हेलो एवरीवन, दिस इज़ अजीज़ा एंड वेलकम टू ऑल इन माय किचन अजीज़ा की रसोई। टुडे आई एम शोइंग यू हाउ टू मेक कस्टर्ड हलवा, या फिर हम इसे बॉम्बे कराची हलवा भी बोल सकते हैं। नॉर्मली जो हम बनाते हैं वो मैदे से बनाते हैं, तो आज जो मैं बनाने जा रही हूँ उसे कस्टर्ड पाउडर से बनाने जा रही हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इसका टेक्सचर कैसा है, बहुत ज़्यादा ये अच्छा बना है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं कि हम इसे कैसे बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 2 कप चीनी लेंगे। नॉर्मल जो चीनी यूज़ होता है वो हम लेंगे, 2 कप चीनी लेंगे और 2 कप हम इसमें पानी डालेंगे। और 2 कप पानी डालने के बाद इसे हम हाई फ्लेम पे इसे हम बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम इसे एक बार चला लेंगे और चला करके इसे हम बॉईल होने के लिए हम छोड़ देंगे। जब तक ये बॉईल हो रहा है तब तक हम हमारा जो कस्टर्ड पाउडर है उसे हम घोल लेते हैं। तो कस्टर्ड पाउडर आप यहाँ पे किसी भी कंपनी का आप ले सकती हैं, कोई भी फ्लेवर का ले सकती हैं। आप जिस फ्लेवर से बनाएंगे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। और यहाँ हम 1 कप लेंगे और इसी कप की हेल्प से हम सारा कुछ मेजर करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 कप कस्टर्ड पाउडर ले रहे हैं। कस्टर्ड पाउडर है 100 ग्राम है, जो डब्बा जो आता है वो 100 ग्राम का डब्बा ही आता है। तो इसमें हम 100 ग्राम कस्टर्ड पाउडर लेंगे और इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे। आप चाहो तो एक साथ दोनों कप पानी डाल सकते हो या फिर आप थोड़ा थोड़ा करके भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो कस्टर्ड होता है, पाउडर जो होता है वो तुरंत ही घुल जाता है। तो जो हम पानी लेंगे वो रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल पानी लेंगे, जो ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो। क्योंकि अगर हम गर्म पानी से इसे घोलेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएगा। तो हमारा घोल बन करके तैयार हो चुका है और इधर हमारा जो चीनी है वो उसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। तो इसे हम चाशनी नहीं बनाना है, इसे हमें चाशनी नहीं बनाना है, बस चीनी के घुलने तक इसे हमें बॉयल करना है। तो इसे हम पूरी जो भी हम प्रोसेस करेंगे, अभी तक जो भी हम प्रोसेस कर रहे थे वो हम सिर्फ हाई फ्लेम पे ही करेंगे। अब हम यहाँ पे गैस का जो फ्लेम है उसे लो कर देंगे और लो करने से के बाद हमारा जो मिक्सचर था, जो घोल था, उसे हम एक बार अच्छा से घोल देंगे। क्योंकि जो कस्टर्ड पाउडर होता है ना वो क्या होता है कि वो तला में बैठ जाता है। तो इसी तरह से हम घोल लेंगे और एक हाथ से हम कस्टर्ड पाउडर को डालेंगे और दूसरी हाथों से हम चलाते रहेंगे, क्योंकि कस्टर्ड पाउडर जो होता है वो तुरंत थिक हो जाता है। अगर कोई है आपके घर पे तो आप उसे भी बोल सकती है, वो डालते चले जाएंगे और आप इस तरह से चलाती चली जाएंगी। और इसे हम लो फ्लेम पे, जब तक कस्टर्ड पाउडर का घोल हम डाल रहे हैं तब तक हम लो फ्लेम करेंगे। उसके बाद हम फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई करने के बाद यहाँ पर हम 5 से 7 मिनट के लिए तो इसे हम चलाते रहेंगे। तो तुरंत ही 5 से 7 मिनट के अंदर में ही ये क्या होगा, तुरंत ये गाढ़ी हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये गाढ़ी हो चुकी है। जब ये जैसे तरह से ये गाढ़ी हो जाएगी, थोड़ी देर हम चलाते रहेंगे और ये जैसे जैसे ये गाढ़ी होती चली जाएगी, तो इसे गाढ़ी होने के बाद में हम इसमें, जैसा कि आप देख रही हैं, इसको पूरी गाढ़ी हो गई है, कलर जो है इसका चेंज हो चुका है। तो इसके बाद में हम यहाँ पे लेंगे 1/2 कप घी लेंगे, देसी घी लेंगे। और 1/2 कप देसी घी को हम एक ही बार नहीं डालना है, इसमें हम 2-2 चम्मच करके डालेंगे। अगर आप एक साथ सारी जो 1/2 कप घी है वो सारी घी को अगर आप एक साथ डाल देंगे ना, तो क्या होगा कि हमारा जो कस्टर्ड है वो उछलने लगेगा, तैरने लगेगा घी में और हमें चलाने में दिक्कत होगी। तो इसलिए हम यहाँ पर 2-2 चम्मच करके हम घी डालेंगे। और 2 चम्मच घी डालने के बाद 3-3 मिनट में हम इसे चलाते रहेंगे। क्योंकि ये क्या होता है, 2 चम्मच घी डालेंगे और फिर ये जब हम चलाने लगेंगे तो ये पूरे कस्टर्ड में एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो कस्टर्ड जो पाउडर जो है, ये जो घोल है, वो क्या करेगा, उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इसे हम 2-2 चम्मच करके हम बार बार हम डालते चले जाएंगे और इसी तरह से हम कंटिन्यूसली इसे हम चलाते रहेंगे। चलाते चलाते आप देखेंगे जो इसका जो टेक्स्चर है वो ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम 2-2 चम्मच करके हम चलाएंगे और ये जो हम प्रोसेस करेंगे वो हम लो फ्लेम पे करेंगे। सारा जो प्रोसेस करेंगे अभी हम यहाँ पे लो फ्लेम पे करेंगे और लास्ट में जितना भी हमारा घी था उसे हम डाल देंगे, पूरी तरह से डाल देंगे। और डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तब तक इसे हमें मिक्स करना है जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना दिखे। फ्रेंड्स, इसका जो टेक्स्चर आता है बहुत ज़्यादा अच्छा आता है, बहुत ज़्यादा ये खाने में अच्छा लगता है। और जब इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाएगा हल्का सा, तब हम क्या करेंगे, कुछ ड्राई फ्रूट्स लेंगे। ड्राई फ्रूट्स आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप ले सकती हैं। यहाँ पर मैं 2 चम्मच काजू ले रही हूँ और 1 चम्मच मैं यहाँ पर बादाम ले रही हूँ और इसे मैं पीस में कट कर ली हूँ। और इसे हम डालने के बाद अच्छी तरह से हम चलाएंगे। जब आप देखेंगे कि हमारा जो काजू है वो पूरी ट्रांसपेरेंट तरफ से दिख रही है, हमारा जो हलवा है वो पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया है, तब हम अपने गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हम एक टिन लेंगे। टिन में हम ग्रीस कर लेंगे घी से
आप टिन को ग्रीस कर भी सकती हो और नहीं भी कर सकते हैं, और इसे हम एक बार स्पैचुला की हेल्प से उसे हम सेट करेंगे और एक बार हम डैप कर लेंगे ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। और उसके ऊपर फिर हम कुछ आलमंड्स और काजू से हम क्या करेंगे, इसे डेकोरेट कर देंगे। और डेकोरेट करने के बाद में एक प्याली लेंगे हम, और प्याली के तले को हम घी से ग्रीस कर लेंगे और उस तरह से इसके ऊपर में हम फैला देंगे। तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो काजू है, जो हमारा ड्राई फ्रूट्स है, वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर दब जाएगा, वो सेट हो जाएगा। और इसे हम 1 से 2 घंटा सेट होने के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे। अगर आपको जल्दी खाना है तो आप फ्रीज में इसे रख सकती हैं, और नहीं तो आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर इसे आप सेट होने के लिए छोड़ देंगे। और आफ्टर 1 आवर के बाद में आप देख सकती हैं कि हमारा जो हलवा है वो बन करके तैयार हो चुका है। अब हम पीस कर लेंगे इसका। आप देख रही हैं कि कितनी आसानी से पीस कट हो जा रही है, बहुत जल्दी से ये बहुत आसानी से ये कट हो गई है। अब मैं आपको निकाल करके दिखाती हूँ, ये बहुत देखिए आप इसका टेक्सचर, ये कितनी आसानी से निकल भी गई। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी बना है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। आप जिसे मैं तोड़ के दिखा रही हूँ इसका टेक्सचर, ये देखिए ये कितना खिंचाव है इसमें, इसमें पूरा खिंचावपन भी आया है, और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसका जो टेक्सचर पूरा फ्लफी टेक्सचर है, तो फ्रेंड्स आप एक बार जरूर बनाएं और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, शबक है एंड थैंक यू सो मच।